हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन इंडस्ट्री के मोस्ट हैंडसम हीरोज में से एक हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ऋतिक रोशन को लोग ग्रीक गॉड के रूप में भी जानते हैं और कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो उन पर जान छिड़कती हैं। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी इस मामले में पीछे नहीं है। ऐसे कई मौके आए हैं जब दीपिका पादुकोण ने खुलकर ये बात कही है कि वो ऋतिक रोशन को काफ़ी पसंद करती हैं। कुछ दिनों पहले ही दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इन फोटोज में दोनों केक खाते नजर आ रहे थे। इन फोटोज के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने ये बात कहनी शुरू कर दी थी कि इन्हें साथ में काम करना चाहिए। वहीं बीते काफी दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि दीपिका पादुकोण को फिल्म क्रिश 4 के लिए अप्रोच किया गया है और वो ऋतिक रोशन के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। हालांकि अब दीपिका पादुकोण ने क्रिश 4 में काम करने को लेकर अपना बयान दे दिया है। दीपिका पादुकोण ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि उन्हें भी ये बात आम लोगों की तरह ही पता चली है कि वो फिल्म क्रिश 4 के लिए मेकर से बात कर रही हैं। अब आप दीपिका पादुकोण के इस बयान से ये तो समझ ही गए होंगे कि वो ऋतिक के आने वाली क्रिश 4 का हिस्सा अभी तक नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि वो क्रिश 4 का हिस्सा नहीं बनना चाहती हैं। ऐसे में हो सकता है दीपिका और ऋतिक दोनों ही जल्द क्रिश 4 को लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दें। वैसे आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण के साथ साथ कैटरीना कैफ के नाम पर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्हें राकेश रोशन के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया था, जिसके बाद ऐसी खबरें आने लग गई थी कि क्रिश 4 का हिस्सा वो बन सकती हैं। वहीं दीपिका और कैटरीना के अलावा प्रियंका चोपड़ा भी क्रिश 4 का हिस्सा हो सकती हैं, क्योंकि वो फिल्म के पिछले दो पार्ट्स में नजर आई थी। अगर उनके पास डेट की प्रॉब्लम नहीं हुई तो वो क्रिश 4 के लिए हामी भर सकती हैं। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि क्रिश 4 को लेकर बॉलीवुड की तीनों टॉप एक्ट्रेसेस के बीच रेस लगी हुई है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि राकेश रोशन कब तक फिल्म की लीडिंग लेडी का नाम फाइनल करते हैं। बात करें ऋतिक रोशन की तो बीते साल उन्होंने सुपर 30 और वॉर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, जिन्हें दर्शकों से काफी प्यार मिला था। इन फिल्मों के बाद से ही ऋतिक रोशन चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ वक्त पहले ऐसा भी सुनने में आया है कि उन्हें एक हॉलीवुड एजेंसी की तरफ से साइन किया गया है और वो जल्द ही विदेशी फिल्मों में भी नजर आ सकते हैं। खैर, दर्शकों को तो सबसे ज्यादा क्रिश 4 का ही इंतजार है। वैसे आप क्रिश 4 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। अलग कर दिया, हाँ वही मतलब।
चल रहा है।